ईशिल नहीं आई? वो लोग चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा और ईशिल का रिश्ता कायम हो। कुछ कहा उन्होंने? खावर ने शरायत ऐसी लगा दी, जानता था कि मैं मानूंगी नहीं। कैसी शरायत? मेरे कहने पे तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ईशल से खुद ही पूछ लेना। आपको इतनी शर्तें नहीं रखनी चाहिए थी। आप अच्छी तरह जानते हैं रुखसाना भाभी को, वो कभी भी नहीं मानेंगी। मानेंगी? उन्हें मानना पड़ेगा। अरे मैंने ऐसा क्या मांग लिया उनसे? अपनी बेटी के लिए कोई लंबा चौड़ा हकमेर मांग रहा हूं, इसके नाम कोई जायदाद करवा रहा हूं, सोना मांग रहा हूं? अरे मैंने तो इसके जायज हकूक की बात की है, इसकी आसाइशों की बात की है, जिसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। यही तो मसला है खावर, रुखसाना भाभी की अना कभी इजाजत ही नहीं देगी। अना नहीं, खुद परस्ती कहो। अना का तो महज एक खौल चढ़ा रखा है उन्होंने खुद परस्ती के ऊपर, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये खौल उनसे उतार दिया जाए। तुम क्या कहती हो बेटा? मैं क्या कहूंगी, आप है ना मेरा फैसला करने वाली। अब जो भी फैसला लेंगे मेरे लिए अच्छा ही लेंगे। ये खुश नहीं है आपके फैसले से। जानता हूं मैं, रो भी जानती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसकी खुशियों के लिए कर रहा हूं। फिर आपको ये भी जानना होगा कि इसे उन असाशों से कोई सरोकार नहीं है जो आप उसे देना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जुनेद अहम है, वो उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार है। मुझे तो लगता है रुखसाना भाभी अब यहाँ कभी आएंगी नहीं और ना ही कभी जुनेद को भेजेंगी। वो आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां तक बात जुनेद की है वो जरूर आएगा, देख लेना तुम।